हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी बालाघाट। आई एम हिमांगनी रहांगडाले। बच्चों, आप सभी को पता ही है कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन वाली जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, यहाँ तक का जो वर्क था हमारा कंप्लीट हो चुका है। मतलब हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। लास्ट लेक्चर बेटा फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन का था कि कैसे इम्प्लांटेशन होता है। अब आज हम लोग देखने वाले हैं जैसे इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद जो है वो किस तरीके से एम्ब्रियो डेवलप होता है और उस पीरियड को जिसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है उस पीरियड को क्या कहते हैं, मतलब जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग रेडी होंगे आज की क्लास को लेने के लिए। बेटा, हर टॉपिक को, हर पॉइंट को नोट करते हुए चलना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं समझाने के टाइम में ऐसी बोल देती हूँ कि उनको मैं लिख नहीं पाती हूँ, है ना। तो आपको क्या करना है, एक एक चीज़ जो है वो नोट करते हुए चलना है। ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। जब आप सेकेंड टाइम अपनी कॉपी खोल कर देखेंगे और जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सही में हमने लिख कर कितना अच्छा काम किया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट कि प्रेगनेंसी क्या है। प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं बेटा। प्रेगनेंसी की बात करें तो एक ऐसा है, एक ऐसा पीरियड है जिसमें क्या होता है, एम्ब्रियो कम्प्लीटली डेवलप होता है। और ये पीरियड होता है कितने मंथ का, 9 मंथ या 9.5 मंथ का हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 9 मंथ ही कंप्लीट करे, कभी कभी 7 या 8 मंथ में भी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है और बच्चा डिलीवर हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 9 मंथ से ज़्यादा का टाइम भी लग सकता है, इसलिए इसको एवरेज करके क्या किया गया है, 9 मंथ जो है प्रेगनेंसी पीरियड को किया गया है। अब हम बात करते हैं किसकी, एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करते हैं हम। एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करें तो क्या होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तो ब्लास्टुला से लेकर फिटस के फॉर्मेशन की जो कंप्लीट प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है क्या, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब हमको क्या करना है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में एक कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करना है, मतलब एक जो है नवजात शिशु का फॉर्मेशन करना है हमको, किसके अंदर, आपकी माँ के, मतलब माँ के गर्भ के अंदर, तो उसको बोला जाएगा क्या, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। हमने लास्ट लेक्चर में जो है क्या पढ़ा था कि कैसे इम्प्लांटेशन होता है, तो इम्प्लांटेशन जो होता है उस संरचना का नाम क्या था बेटा, ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट के बाद में किस तरीके से जो है एम्ब्रियो डेवलप होता है आज हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके से एम्ब्रियो डेवलप होता है आज हम लोग उसकी बात करने वाले हैं, तो देखते हैं हम। सबसे पहले हमने देखा था बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, एक के बाद एक याद रखना है बेटा। बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से संरचनाएं होती हैं जिसको हमने बोला था, क्योंकि जब सेल्स बार बार डिवाइड होती हैं, जब सेल्स क्या होती हैं, बार बार डिवाइड होती हैं माइटोसिस करके, माइटोसिस जब करती हैं और बार बार डिवाइड होती हैं तो क्या होता है, एक जो सॉलिड बॉल के आकार का स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसके बाद में हमने देखा था कि ये क्या हो जाती हैं, सेल्स जो हैं किनारे की तरफ अरेंज हो जाती हैं, और किनारे की तरफ जो अरेंज्ड सेल थी, किनारे की तरफ जो अरेंज्ड सेल थी उनका नाम हमने क्या दे दिया था बेटा, उनका नाम हमने दे दिया था क्या, ट्रोफोब्लास्ट सेल। क्या नाम दिया था, इसका नाम दिया था हमने ट्रोफोब्लास्ट। क्या नाम दे दिया था, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफो ब्लास्ट। और ये था क्या आपका इनर सेल मास, क्या था, इनर सेल मास। और ये जो स्ट्रक्चर था इसका नाम क्या दिया गया था बेटा, ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहा गया था, ब्लास्टोसिस्ट कहा गया था। अब ये ब्लास्टोसिस्ट के बाद में किस तरीके से जो है नई संरचनाएं बन रही इसकी बात करते हैं हम। जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है बेटा ये लगातार क्या करती है, डिवीजन करती है। ये क्या करती है, डिवीजन करती है, डिवीजन करती है और एक दो लेयर बना लेती है। क्या बना लेती है, डिवीजन करके दो लेयर बनाती है। तो दो लेयर हम लोग बना लेते हैं, दो लेयर बनाती है डिवीजन करके। तो किस तरीके से दो लेयर बनाती है, क्योंकि अब हमको एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करना है, तो किस तरीके से एम्ब्रियो बनता है उसको स्टेप बाय स्टेप हम डायग्राम के रूप में समझ रहे हैं। तो एक चीज याद रखना है क्या, कि हम जो बोल रहे हैं उसको आपको नोट करते हुए चलना है, डायग्राम के रूप में हम लोग समझाते, मैं आपको समझाते हुए चल रही हूँ। आपको क्या करना है बेटा, आपको एक काम करना है कि जो चीज़ें मैं बोलते जा रही हूँ उसको कैसा करना है, आपको आपकी कॉपी में नोट करते हुए चलना है।
क्या करते हुए चलना है, नोट करते हुए। अब देखिए क्या हो रहा है बेटा, ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर थी आपकी, ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर थी वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, जिसमें फर्स्ट पार्ट का नाम है क्या, फर्स्ट पार्ट का नाम है बेटा सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। क्या नाम है, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। सबसे आउटर लेयर है जिसका, जिसमें क्या हो रहा है, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट की बात करें बेटा तो इसमें केवल और केवल प्रोसेस होती है किसकी, कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब हुआ कि इसमें केवल और केवल क्या होगा बेटा, केंद्रक विभाजन होने वाला है। इसमें क्या होगा, केवल और केवल केंद्रक विभाजन होगा, केंद्रक विभाजन होगा, और केंद्रक की संख्या ज्यादा होगी, कोशिकाएं नहीं बनेगी। कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो आपको सिंसियोट्रोफोब्लास्ट में केवल और केवल क्या दिखेंगे, न्यूक्लियस दिखेंगे साइटोप्लाज्म में तैरते हुए। मतलब ये सेल डिवाइड जब हुई तो इसके चारों तरफ केवल और केवल न्यूक्लियस दिखे, सेल डिवीजन कंप्लीटली नहीं हुआ, जिसको बोला गया सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। और सेकेंड आपकी क्या है बेटा, सेकेंड लेयर का नाम है क्या, सेकेंड लेयर का नाम है साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्योंकि इसका साइटोकाइनेसिस भी हुआ है, कंप्लीट सेल बनी है, तो इसको बोला जाएगा साइटोट्रोफोब्लास्ट। इसका चूंकि साइटोकाइनेसिस भी हुआ है इसलिए इसको बोला जाएगा साइटोट्रोफोब्लास्ट। यहां तक की बात आपके समझ में आई होगी, ठीक है। दो लेयर बनाया ट्रोफोब्लास्ट ने, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। सेकेंड बात याद रखना है बेटा, इसमें जो इनर सेल मास था, क्या था, इनर सेल मास था बेटा, ये भी क्या हुआ, दो प्लेट के फॉर्म में कैसा हो गया, अरेंज हो गया, टू प्लेट्स के फॉर्म में कैसा हो गया, अरेंज हो गया, जो सिंसियोट्रोफोब्लास्ट था। एक के ऊपर एक प्लेट जो होती है ना, सिक्के को मान लो कि एक के ऊपर एक रख दिया, उस तरीके से कैसी हो गई है ये प्लेट के फॉर्म में, अरे एक दूसरे के ऊपर कैसी हो गई है ये, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आपको दिखाई देंगे। ये क्या होता है, धीरे धीरे आपकी सेल्स जो है वो डेवलप हो रही हैं। इसमें एक का नाम है क्या, इसमें एक जो ये वाली सेल है इसका नाम है क्या, ये वाली जो प्लेट है इसका नाम है हाइपोब्लास्ट। क्या है बेटा, हाइपो, हाइपोब्लास्ट, हाइपो ब्लास्ट। और ये वाला ना है जो सेकेंड प्लेट है आपको पिंक कलर की दिखाई दे रही है, इसका नाम है एपी ब्लास्ट। आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट नेक्स्ट स्टेप बनाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट की दो लेयर बनेगी, सिंसिसियो और साइटोट्रोफोब्लास्ट, और आपका इनर सेल मास भी दो प्लेट के रूप में अरेंज हो जाएगा, जिसका नाम है हाइपोट्रोफोब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट और एपी ब्लास्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, तो याद रखना है आपको, सबसे पहली चीज आगे की तरफ जब होगा तो ये कैसा होगा, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है तो ये इस तरीके से, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, इसके अंदर क्या है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, इस तरीके से अरेंज है आपकी ट्रोफोब्लास्ट सेल, सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटो ट्रोफोब्लास्ट, सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटो ट्रोफोब्लास्ट। अभी आपको याद रखना है, अब हम सिर्फ देखेंगे अंदर कैसे चेंजेस आ रहे हैं। जब ट्रोफोब्लास्ट में चेंज आएगा तब आपको बता देंगे बेटा। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है आपका हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट, सॉरी हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट में चेंज आ रहा है। ये बेटा आपका हाइपोब्लास्ट था, ये हाइपोब्लास्ट कैसा हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, ये फूल जाएगा। जैसे रोटियां, मान लो दो रोटियां एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं और ये रोटियां अब कैसी हो रही हैं, ये रोटियां जो है फूल गई हैं, ये रोटियां कैसी हैं, अब फूल गई हैं, तो इस तरीके से ये फूल गई है। वैसे ही सेकंड जो एपीब्लास्ट है ये भी फूल जाएगी, सेकंड जो एपीब्लास्ट है ये भी जो है इस तरीके से फूल गई है। ये देखिए इस तरीके से कैसी हो गई है, ये फूल गई है, ठीक है। अब बीच में एक कैविटी का फॉर्मेशन हुआ है बेटा,
बीच में जब ये जो है जो रोटियां थी आपके हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट रोटियों के रूप में एक दूसरे के ऊपर चिपकी हुई थी, ये कैसी हो गई, ये फूल गई हैं और दो कैविटी बना रही हैं, ये आपकी हाइपोब्लास्ट थी। हाइपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट से जो कैविटी बनेगी बेटा उसका नाम है क्या, योक सैक। उसमें क्या होगा, योक सैक, यही है जो क्या होगा एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन देगा, ठीक है। और ये जो थी एपिब्लास्ट थी, ये क्या है आपकी एपिब्लास्ट है, एपिब्लास्ट, एपिब्लास्ट, एपिब्लास्ट की जो केविटी है बेटा इसका नाम हो जाएगा क्या, एमनियोन, क्या हो जाएगा, एमनियोन। और ये एमनियोन आगे चल के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक। यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी, यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, किस तरीके से ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। एक के बाद एक आपको सारी चीजें याद रखना है। इसके बाद में क्या होगा बेटा, सेम अभी आपकी बनेगी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ये हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या है आपकी, साइटोट्रोफोब्लास्ट, इसके अंदर क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो इस तरीके से हम बना रहे हैं क्या, साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट है। अब बेटा इसके अंदर हमने देखा क्या है, हाइपोब्लास्ट और दूसरी क्या है, एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट और क्या है, एपिब्लास्ट। अब इससे हाइपोब्लास्ट से क्या होता है बेटा, हाइपोब्लास्ट ब्लास्ट से क्या होगा, हाइपोब्लास्ट डिवीजन करेगी और अपने चारों तरफ क्या बना लेगी, एक लेयर बनाने लगेगी। हाइपोब्लास्ट क्या कर रही है, एक अपने चारों तरफ पूरी तरीके से कवर की हुई एक क्या बना रही है, लेयर बना रही है, इस तरीके से क्या बना रही है, लेयर बना रही है, ये लेयर बना लेती है, इस तरीके से बना ली है लेयर पूरी तरीके से, ट्रोफोब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट और आपके एमनियोन को कवर किए हुए, इस तरीके से क्या बनी है आपकी, हाइपोब्लास्ट के द्वारा एक लेयर बनाई गई है। चलिए इस तरीके से हो गई, इसको बोला जाता है, नई जो आपकी मेम्ब्रेन बनी है इसको बोला जाता है बेटा एम्ब्रियो, सॉरी इसको क्या बोला जाएगा, एक सेकेंड थोड़ा वेट कीजिएगा, इसका नाम चलिए इसका नाम है बेटा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, इसका नाम क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये क्या बनेगी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो बनी हुई है ये आगे चल के क्या करेगी बेटा, ये आगे चल के जो है फिर से, ये आगे चल के फिर से कैसी हो जाएगी, अरेंज हो जाएगी, कैसी अरेंज हो जाएगी, दिख रहा है, ठीक है, कैसे अरेंज होगी इसको देखेंगे। दोनों ट्रोफोब्लास्ट से और आपकी हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट की जो वॉल है दोनों साइड कैसी हो जाएगी, चिपक जाएगी, बीच से फिर से कैसी हो जाएगी, एक केविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये हो गया। बीच में क्या है, एपिब्लास्ट, सॉरी हाइपोब्लास्ट और ये क्या है, एपिब्लास्ट, ठीक है। चलिए
इसके बाद में क्या है बेटा, इसमें एक जो लेयर है कुछ इस तरीके से अरेंज हो गई है, मतलब बीच से क्या बन रही है, केविटी बन रही है। क्या बन रही है बेटा, बीच से केविटी का फॉर्मेशन हो रहा है कुछ इस तरीके से, इसके चारों तरफ भी बन जाएगी। एक सेकेंड, इसके चारों तरफ भी, बीच में कैसी जगह है, खाली जगह है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से ये क्या है, अरेंज हो गई है आपकी को क्या, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, क्या हो गई है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है वो अरेंज हो गई है। ठीक, चलिए, अब ये तो मेसोडर्म कैसी हो गई है, अरेंज हो गई है, कैसी हो गई बेटा, ये मेसोडर्म अरेंज हो गई है, ये आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, लेकिन ये वाली जो नई संरचना बनी है जहां से हटी नहीं है, इसको बोला जाता है फीटस, फीटस अम्बिलिकल, अम्बिलिकल कॉर्ड, मतलब ये क्या है, नाभि, क्या है बेटा, ये जो नाभि, आपने देखा होगा जब बच्चे का जन्म होता है, क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी नाभि को जो है, जो मम्मी से जुड़ी हुई होती है उसको काटा जाता है, तो वही है आपकी नाभि वाला पार्ट जो किससे जुड़ा होगा बेटा, ये नाभि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करके, ये नाभि प्लेसेंटा और आपका मम्मी का जो एंडोमेट्रियम है, ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा बनाते हैं। तो ये जो प्लेसेंटा है ये किसके, एम्ब्रियो के, किससे जुड़ा होता है, एम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये एम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप याद रखना है आपको, इसके बाद में क्या होने वाला है, इसके बाद में अंदर जो सारे चेंजेस हो गए, अब हम बात करते हैं, अब फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी आपकी कौन, हाँ एक सेकेंड, एक बात और आपको याद रखना है, ये जो लेयर है आपकी कौन सी, इसका नाम है सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफो ब्लास्ट, एक सेकेंड, हम थोड़ा स्पेस इसका कम कर लेते हैं जिससे क्या हो कि हमको समझने में आसानी हो। ठीक है, चलिए, इसका नाम क्या है, सिंसिसियोट्रोफो ब्लास्ट, सेकेंड लेयर है क्या, साइटोट्रोफो ब्लास्ट, साइटोट्रोफो ब्लास्ट, और थर्ड है आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, मेसोडर्म, ये सभी मिलकर ये जो तीनों लेयर हैं, ये तीनों लेयर मिलकर बेटा क्या बनाएंगे, कोरियोन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कोरियोन बनाएंगे, तो ये याद रखना है आपको। तो एम्नियोन, कोरियोन और योक्सेक, ये तीन आपके एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाले हैं। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, जो कोरियोन है, क्या जो कोरियोन है वो क्या करेगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, क्या बनाएगा, कोरियोन जो था वो क्या बनाएगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। तो कोरियोन में आपका क्या आ रहा था, सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट भी आ रहा था, और क्या आ रहा था, साइटोट्रोफोब्लास्ट भी आ रहा था, और क्या आ रहा है बेटा इसी में, आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी इसी का पार्ट होने वाला है। तो तीनों मिलके क्या करने वाले हैं, तीनों जो हैं, तीनों एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैसे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में इस तरीके से कैसे हो जा रहे हैं, कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक, और बीच में क्या है आपका, इस तरीके से योक्सेक, ठीक है, और सेकंड है आपका क्या, एपिब्लास्ट,
ठीक। और इस संरचना को बोला जाएगा कोरियोनिक विलाई। क्या कहा जाएगा? कोरियोनिक विलाई कहा जाएगा। ये कोरियोनिक विलाई जो बने हुए हैं बेटा, ये कोरियोनिक विलाई क्या करेंगे? ये कोरियोनिक विलाई जो है किससे? मम्मी की मीजोडर्म से। किससे? जो यूटेरस में मीजोमेट्रियम थी, सॉरी एंडोमेट्रियम थी, उससे कैसे हो जाएंगे? उसमें बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे इस तरीके से। मतलब ये फिम्ब्री एंडोमेट्रियम में जाके धंस जाएंगी, इस तरीके से धंस जाएंगी। ये वाला पार्ट क्या कहला रहा है बेटा? ये है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम जो है, एंडोमेट्रियम और फिम्ब्री जो है एक दूसरे से बिल्कुल इतना टाइटली पैक हो गई हैं कि अब इनके बीच में किसी प्रकार का गैप नहीं है। अब क्या होगा बेटा? मम्मी से जो भी, मम्मी जो भी खाना खाएगी, ऑक्सीजन लेगी, पानी पीगी, जो भी न्यूट्रिएंट लेगी, तो वो क्या होगा? ब्लड में जाएगा और ब्लड से एंडोमेट्रियम में आएगा। और एंडोमेट्रियम से क्या किया जाएगा? यहां से किसके द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा। किसके द्वारा? यहां से डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा कहां पर जाएगा बेटा? डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा जाएगा कहां पर? आपके डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा जाएगा कोरियोन में। कहां जाएगा? डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा कोरियोन में जाएगा। और कोरियोन से कहां चला जाएगा? कोरियोन से कहां चला जाएगा एम्ब्रियो को जो है फूड मिलने लगेगा। और ये सभी मिलके जो है बेटा प्लेसेंटा बनाते हैं। ये जो संरचना पूरी मिलके क्या बना रही है? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर रही है। इसी को कहा जाता है क्या? प्लेसेंटा। मतलब प्लेसेंटा जो बन रहा है उसमें क्या है? कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई में एंडोमेट्रियम जो है वो फिक्स हो गई है। ठीक है, क्या हो गई है? फिक्स हो गई है। मतलब कि अंगुली में कैसी हो गई है? इंटरस्टिजिटेड हो गई है, मतलब कि चिपक गई है। और क्या हो रहा है? वो फिम्ब्री जो है अब आपके डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो हुए वो ले रहे हैं। और आपके किसके द्वारा? जो आपके फिटस अम्बिलिकल कॉर्ड थी उसके द्वारा किसको मिल रहा है? किसको मिल रहा है? आपके फिटस को फूड जो है वो मिलते हुए चलता है। इस तरीके से जो है एम्ब्रियो डेवलप होता है। और नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी? कुछ इस तरीके से मम्मी का यूटेरस है। इस तरीके से क्या है? मम्मी का यूटेरस है। इस यूटेरस से प्लेसेंटा इस तरीके से जुड़ा हुआ है। हम सीधे प्लेसेंटा की बात कर रहे हैं क्योंकि अब जो है हम, ये हो गया प्लेसेंटा, उसमें आपके कोरियोन पूरा आ रहा है। और इसके बाद में इससे क्या हो गया है? आपका इस तरीके से क्या है? फीटस का पूरी तरीके से निर्माण हो चुका है। और ये क्या बना है? ये बना है फीटस। क्या बना है? फीटस। ठीक है बेटा, फीटस बन गया आपका। सिक्स मंथ में जो है आपका फीटस बन के तैयार हो गया। इसके बाद में ये क्या करता है? केवल और केवल ग्रोथ करता है। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, अब देखिए ये जो है ये क्या है? आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा। ये आगे चल के क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। ये योक्सेक जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता, नोट कर लेना है बेटा आपकी कॉपी में, जब तक योक्सेक न्यूट्रिएंट देता है आपके एम्ब्रियो को, तब जब तक कि प्लेसेंटा नहीं बन जाता। प्लेसेंटा के बनने से पहले जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, वो देने के लिए होता है योक्सेक। इसके बाद में कौन देता है? प्लेसेंटा देता है। ठीक है, इसी के अंदर, इस एमनियोन के अंदर जो है एमनियोन लेयर होती है, उस एमनियोन के अंदर फीटस का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से। इसके चारों तरफ एक लेयर होती है, एमनियोनिक लेयर, एमनियोनिक कैविटी। क्या होती है? एमनियोनिक कैविटी, एमनियोन जिसको बोला गया है। और इस एमनियोन में क्या होता है? फीटस का फॉर्मेशन होता है। सिक्स मंथ तक जो है यहीं पर डेवलप होता है। इस तरीके से बेटा एम्ब्रियो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट तो हो गया, प्लेसेंटा बन गया। अब आगे की जो चीजें होती हैं उसकी हम लोग बात करते हैं। प्लेसेंटा के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग। किसके बारे में बात करते हैं? प्लेसेंटा के बारे में कुछ बातें करते हैं। प्लेसेंटा के बारे में बातें करते हैं। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा,
function of placenta. प्लेसेंटा के फंक्शन की बात करते हैं. हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात की, प्लेसेंटा बन गया. प्लेसेंटा बना तो प्लेसेंटा काम क्या करता है इसकी हम लोग बात करते हैं. तो बेटा ये क्या काम करता है, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मदर से किसको, एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो को देता है. ठीक है. दूसरा इसका फंक्शन होता है बेटा, ये क्या है, वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को फीटस बॉडी से बाहर, फीटस बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है. मतलब आपका जो प्लेसेंटा होगा, प्लेसेंटा होगा वो फीटस मतलब भ्रूण के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसको बाहर निकालेगा मम्मी की बॉडी में, और मम्मी की बॉडी के माध्यम से उसका क्या होगा, एक्सक्रेशन होगा. तो निकालने में हेल्प करता है. फिर थर्ड फंक्शन हो जाएगा बेटा, ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड के फॉर्म में काम करता है. किसके फॉर्म में काम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के फॉर्म में काम करता है, फॉर्म में कार्य करता है. ठीक है. एंडोक्राइन ग्लैंड के फॉर्म में काम करता है तो हार्मोन का सिक्रेशन करेगा. तो प्लेसेंटा से सिक्रेट हार्मोन, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से सिक्रेट हार्मोन याद रखना है, सिक्रेट हार्मोन. इसके हार्मोन के नाम याद रखना है बेटा, कौन से हार्मोन है आपके. तो हार्मोन के नाम है, फर्स्ट हार्मोन है आपका HCG, जिसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन. ये जो हार्मोन है आपने देखा था कार्पस ल्यूटियम जो है, कार्पस ल्यूटियम आपको कुछ दिनों तक जीवित रह जाती है, लेकिन आपको कंटिन्यू इससे प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करवाना है. कब तक, जब तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं हो जाता, उसके बाद में तब तक आपको उसको जिंदा रखना है. इसके बाद में जो आपका काम करेगा कौन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन काम करेगा किसके लिए, प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन के लिए. इसके बाद में है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटिक, प्लेसेंटिक लैक्टोजन, सॉरी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है. क्या है बेटा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. और तीसरा होता है आपका प्रोजेस्टेरोन. क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन. ठीक है. ये स्टार्टिंग में आपके सीक्रेट होने वाले हार्मोन है. स्टार्टिंग में जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं ये तीन हार्मोन हो गए. इसके बाद की बात याद रखते हैं हम, यहीं पर लिख लेते हैं और कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं. तो प्लेसेंटा से और भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं. तो बेटा कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था के दौरान मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, के दौरान जो है आपका और कौन सा, रिलैक्सिन हार्मोन का भी सीक्रेशन होता है. रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है. मतलब जैसे ही आपकी, आप बोल सकते हो गर्भावस्था के एंड में, गर्भावस्था के एंड में. इसके बाद में नेक्स्ट चीज याद रखना है आपको, नेक्स्ट चीज याद रखना है क्या, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनमें कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन. ये सारे के सारे प्लेसेंटा से ही सिक्रेट हो रहे हैं. ठीक है. एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल, फिर है प्रोजेस्टेरोन, सॉरी प्रोजेस्टेरोन नहीं, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्या हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया. और कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है बेटा प्रोलैक्टिन के बाद, थायरोक्सिन. प्रोलैक्टिन के बाद थायरोक्सिन.
प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू बनाए रखने का काम करता है, क्योंकि इसका काम है एंडोमेट्रियम को बनाए रखना। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है क्या काम करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन काम करता है आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और कार्पस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट होने से रोकना। कॉर्टिसोल जो है ये कैल्शियम आयन को कैसा करता है, कैल्शियम आयन के मतलब कैल्शियम आयन जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिले इसको, इसीलिए कैल्शियम आयन के सिक्रेशन को बढ़ाता है, मतलब कैल्शियम आयन के फॉर्मेशन को बढ़ाता है अब ये बोल सकते हो। प्रोलैक्टिन हार्मोन जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई, प्लेसेंटा बन गया, उसके बाद में आपकी जो मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड को एक्टिवेट करके ब्लड से दूध के निर्माण को, मिल्क के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन, ये सभी हार्मोन याद रखना है, ये जो सभी हार्मोन आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, जो हमने बोला है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, ये सारे के सारे हार्मोन जो है क्या काम करते हैं, मदर की मेटाबॉलिक रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, मदर की मेटाबॉलिक रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, मतलब मम्मी की उपापचय क्रिया बढ़ गई, मम्मी को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी, बहुत ज़्यादा खाने का मन करने लगा, क्योंकि किसको, आपके एम्ब्रियो को, मम्मी के पेट के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है बेटा उसको खाना चाहिए। इसीलिए क्या कर रहा है, जो प्लेसेंटा है वो इतने सारे हार्मोन सीक्रेट करके मम्मी के ब्लड में डाल रहा है कि मम्मी को क्या करे, भूख ज़्यादा लगे और मम्मी ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाए तो बच्चे को क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिले और बच्चा जो है जल्दी से डेवलप करे। तो इस समय में क्या होता है, जैसे ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया आपके फर्स्ट मंथ के बाद, एक महीने के बाद में जैसे ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया, वैसे ही क्या होता है, मदर की मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, खाना खाने की इच्छा बढ़ने लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, जो मदर होती है, मदर ज़्यादा खाना खाने लगती है और एम्ब्रियो जो है वो अच्छे से डेवलप होता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है उस समय में अच्छा खाना खाना चाहिए, भूख लग रही है तो न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ें लेना चाहिए जिससे कि जो बेबी है वो अच्छे से डेवलप हो सके। ठीक है, तो आपके जो प्लेसेंटा से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे थे, प्लेसेंटा के जो फंक्शन हमने देखा कि ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, एम्ब्रियो को देता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है और एंडोक्राइन हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड के फॉर्म में भी काम करता है जिसमें से कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि कौन से हार्मोन जो है वो सीक्रेट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बेटा हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, हमारे बच्चे का, जो हमारे मम्मी के पेट के अंदर जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसमें कौन से ऑर्गन 9 महीने तक कैसे कैसे बनते हैं। तो 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है किसकी, 9 मंथ प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है, हमने प्लेसेंटा का फॉर्मेशन तो देख लिया और एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है ये देखा कि किस तरीके से होता है, लेकिन जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया, प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के बाद किस मंथ में कौन सा ऑर्गन बनता है इसकी हम लोग बात करते हैं। किस मंथ में कौन सा ऑर्गन बनता है, मतलब 9 महीने का जो पीरियड होता है उसमें 9 महीने में कौन सा ऑर्गन कब बनता है इसकी हम लोग बात करते हैं, एक चार्ट के रूप में समझते हैं 9 महीने तक कैसे डेवलप होता है। ठीक है, फर्स्ट में हम लोग देखेंगे क्या, मंथ और डेवलपमेंट चलिए बात करते हैं हम फर्स्ट मंथ की बात करेंगे बेटा। तो फर्स्ट मंथ में किसका फॉर्मेशन होता है, तो फर्स्ट मंथ में बात करना है सबसे पहले जो बनने वाला ऑर्गन है वो क्या है, हार्ट। फर्स्ट मंथ में ही किसका फॉर्मेशन हो जाता है, हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए जब सोनोग्राफी की जाती है तो हार्ट बीट आपको सुनाई देती है, भले ही कुछ सुनाई ना दे लेकिन हार्ट बीट सुनाई देती है, क्योंकि सबसे पहले बनने वाला ऑर्गन क्या है, हार्ट है। ठीक है, फिर सेकेंड मंथ की बात करते हैं हम, सेकेंड मंथ की बात करें बेटा तो सेकेंड मंथ में बनते हैं लिम्ब्स, मतलब आपके जितने चारों पैर और फिंगर्स, क्या बनेंगे, लिम्ब्स एंड फिंगर्स बनते हैं आपके सेकेंड मंथ में क्या बनेंगे, लिम्ब्स एंड फिंगर्स का फॉर्मेशन होगा। फिर बात करते हैं हम थर्ड मंथ की, किसकी बात करते हैं बेटा,
थर्ड मंथ का की बात करते हैं तो क्या बनेगा, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बनेगा। क्या बनेगा, थर्ड मंथ में बनेगा आपका ऑर्गन और ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, थर्ड मंथ की बात करते हैं हम, ऑर्गन मतलब जितने भी अंग बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम और जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन भी बनेंगे मतलब जननांग भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। फोर्थ मंथ में बेटा किसी का फॉर्मेशन नहीं होता है, केवल और केवल ये जो बन रहे हैं इनका डेवलपमेंट होगा। फिफ्थ मंथ की बात करते हैं तो फिफ्थ मंथ में क्या होगा बेटा, फिफ्थ मंथ में जो है हेयर, जो हेड है, हेड पर क्या आने लगेंगे, हेयर आने लगेंगे, क्या आने लगेंगे, हेड पर कैसे आने लगे, क्या आने लगेंगे, हेयर आने लगेंगे। और जो आपका फीटस है ये कैसा करने लगेगा, मूवमेंट करने लगेगा, आपकी मम्मी के टमी के अंदर फीटस कैसा करने लगेगा, मूवमेंट करना करने लगेगा। और सिक्स्थ मंथ की बात करते हैं तो सिक्स्थ मंथ में क्या होगा बेटा, बॉडी में हेयर आ जाएंगे, पूरी बॉडी में छोटे छोटे से क्या आ जाएंगे, हेयर आ जाएंगे और आई लेसेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आई लेसेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब क्या होता है, छः महीने के पहले जो है आपकी आंखें जो है, जो बच्चा बन रहा है उसकी आंखें पूरी तरीके से बंद होती हैं, हमारी जो दो पलकें दिखाई दे रही है ना, ये दो पलकें आपको दिखाई नहीं देंगी, एम्ब्रियो में पूरी तरीके से बंद रहती हैं। लेकिन छठवें महीने में जो है दो पलक बन जाती है, मतलब आईलेसेस जो हमारी हैं वो आईलेसेस का फॉर्मेशन हो जाता है। सेवन्थ, एट्थ और नाइन मंथ, ये तीनों महीने केवल और केवल क्या होती है बेटा, ये जो एम्ब्रियो बन गया है उसकी ग्रोथ होती है। यहाँ तक एम्ब्रियो बनकर तैयार, एम्ब्रियो बनकर कैसा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। छः महीने में जो है बच्चे का निर्माण हो जाता है कंप्लीटली, बस जो है पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है, मतलब उसका साइज नहीं बढ़ेगा। सारे ऑर्गन बन गए, ऑर्गन सिस्टम बन गया, बस साइज नहीं बढ़ेगा। तो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ के लिए जो होते हैं सेवन्थ, एट्थ और नाइन मंथ होते हैं। लेकिन हमने एक चीज़ और देखना है, एक चीज़ और देखना है इसके पहले, ये चीज़ हमने पहले देख लिया है लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं इसी के साथ में एक चीज़ और देख लेते हैं। क्या, एक सेकेंड, चलिए, हमने देखा था क्या, आपका जो एमनियोन था, क्या था, हमने देखा था कि आपके प्लेसेंटा के बनने के पहले जो आपका एपिब्लास्ट था, क्या था, एपिब्लास्ट, एपिब्लास्ट क्या बना रहा था बेटा, एमनियोन बना रहा था, एमनियोन बना रहा था, एमनियोन बना रहा था। इस एमनियोन में जो सेल्स थी, सेल ये किसका फॉर्मेशन करने लगती है बेटा, ये कंटिन्यू डिवीजन करती हैं और प्लेट्स बना लेती हैं, प्लेट्स बनाती हैं और तीन लेयर बनने लगती हैं। सेल्स आगे चल के क्या बनाती है, थ्री लेयर्स बना लेती हैं, थ्री लेयर्स बनती हैं। सबसे पहले कौन सी थ्री लेयर्स, इनको बोला जाता है जर्म लेयर। क्या बनती हैं, जर्म लेयर। ये जर्म लेयर कौन सी होती हैं तो याद रखना है बेटा आपको, सबसे पहली बाहरी वाली है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, फिर बनती है क्या, मीजोडर्म, और फिर बनेगी क्या, एंडोडर्म, एंडोडर्म। ये तीन सेल्स की बनी हुई लेयर बन गई और ये आगे चल के क्या बनाती हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। टिश्यू आगे चल के क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है, और ऑर्गन आगे चल के बनाएंगे क्या, ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, मतलब पूरी बॉडी का फॉर्मेशन इस तरीके से होगा। लेकिन शुरुआत याद रखना है, एमनियोन, एपिब्लास्ट से जो एमनियोन बना था उसमें सेल डिवीजन होगा, थ्री लेयर्स बनेंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, और ये क्या करेंगी, प्रत्येक लेयर जो है वो टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। ये जो सेल्स बनती है बेटा, इसमें यहाँ जो सेल्स होती हैं उनको बोला जाता है स्टेम सेल्स। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्टेम सेल्स कहा जाता है। ये ऐसी सेल्स होती हैं जो किसी भी प्रकार के ऑर्गन को बनाने की कैपेसिटी रखती हैं, किसी भी प्रकार के ऑर्गन को बनाने की कैपेसिटी रखती हैं। इसीलिए कई बार क्या किया जाता है,
कई सारे जैसे कैंसर जैसे रोगों के उपचार के लिए स्टेम सेल्स का यूज़ किया जाता है, या फिर अगर मान लो कि कोई ऑर्गन डैमेज हो गया उसके लिए स्टेम सेल्स प्रिवेंट करके रखा जाता है, यहाँ से निकाल कर बड़े बड़े लोगों में क्या किया जाता है कि हमको बाद में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए स्टेम सेल्स को प्रिवेंट करके रखा जाता है लेबोरेटरी में, जिससे कि बाद में अगर हमको कोई बीमारी हो जाए तो हमारी जो स्टेम सेल्स हैं वो हमारे काम आ सके। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से जो है 9 मंथ में एम्ब्रियो डेवलपमेंट पूरी तरीके से होकर तैयार हो जाता है। प्लेसेंटा से सिक्रेट होने वाले हार्मोन के आपको नाम याद रखना है, और इसके अलावा आपको याद रखना है कि किस मंथ में कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किस मंथ में कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है इसकी हम लोग इसकी बात याद रखना है। अब नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है बेटा जिसको बोला जाता है क्या आपका पार्चुरेशन। नेक्स्ट है क्या, पार्चुरेशन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, पार्चुरेशन की। पार्चुरेशन की बात करें बेटा तो जब बच्चे बन के तैयार हो जाता है आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट एम्ब्रियो डिलीवरी की प्रोसेस क्या कहलाती है, पार्चुरेशन कहलाती है। मतलब पार्चुरेशन एक ऐसी प्रोसेस है, पार्चुरेशन को बोला जाता है प्रसव, क्या कहा जाता है, प्रसव कहा जाता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद में जब एम्ब्रियो के डिलीवरी की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है क्या, प्रसव कहा जाता है। क्या कहा जाता है।